वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु
सारे जपो जी दूजर बाबी मरदाना दूजर बाबी मरदाना अकाल बाबा अकाल रूप एक बाबा अकाल रूप धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक एक बाबा अकाल रूप बाबा गया बगदाद नो बाबा गया बगदाद नो फिर बाबा गया बगदाद नो बाबा गया बगदाद नो बाहर जाए किया स्थाना बाहर जाए बाहर जाए किया स्थाना बाहर जाए किया स्थाना एक बाबा अकाल रूप जपो प्यारे एक बाबा अकाल रूप धन गुरु नानक धन गुरु नानक बाबी मरदाना दूजर बाबी मरदाना अकाल रूप अकाल रूप सर जपो जी अकाल रूप अकाल रूप बांग निवाज कर दित्ती बांग निवाज कर दित्ती बांग निवाज कर दित्ती बांग निवाज कर सुन समा
एक पीर भया है जाना, एक पीर भया है जाना, एक बाबा अकाल रूप, एक बाबा जर बाबी मर्दाना, जर बाबी मर्दाना, अकाल रूप अकाल रूप अकाल रूप अकाल रूप, एक बाबा अकाल रूप, बाबा अकाल रूप, एक बाबा अकाल रूप, देख ध्यान लगाए कर, देख ध्यान लगाए कर, देख ध्यान लगाए कर, देख ध्यान लगाए कर, एक फकीर बड़ा मस्ताना, एक फकीर मस्ताना, एक फकीर वड़ा मस्ताना, एक फकीर वड़ा मस्ताना, वड़ा मस्ताना, वड़ा मस्ताना, वड़ा मस्ताना, वड़ा मस्ताना, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, ध्यान लगाए कर, देख ध्यान लगाए कर, एक फकीर वड़ा मस्ताना, एक फकीर वड़ा मस्ताना, पूछया फिर के दस्तगीर, पूछया फिर के पूछया फिर के दस्तगीर, पूछया फिर के दस्तगीर, कौन फकीर किसका घराना, कौन फकीर किसका घराना, कौन फकीर किसका घराना, कौन फकीर किसका घराना, नानक कल बिच आया, कल बिच आया, कल बिच आया, कल बिच आया, नानक
नानक कान विच आया, नानक कान विच आया, आया, नानक कल विच आया। रब फकीर इको पहचाना, रब फकीर इको पहचाना, करत आकाश चहू दिस जाना, करत आकाश चहू दिस जाना, करत आकाश चहू दिस जाना, आकाश चहू दिस जाना, धन गुरु नानक, 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 गुरु नानक देव गोविंद रूप, 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 वाहिगुरु 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 नानक बाबा।
ਪਿਆਰ ਬਾਬੀ ਮਰਦਾਨਾ आकाश चहूं दिस जाना धरत आकाश चहूं दिस जाना दीन दुनिया दा पातशाह दीन दुनिया दा जपो प्यारे हो दीन दुनिया दा पातशाह गुरु नानक दीन दुनिया दा पातशाह गुरु नानक दीन दुनिया दा भाई गुरदास जी के बचन आप सारे रल मिल के गाए सुने ने पहलों तो लगता जी सी भी संगत सवाई हो गई है पर गुरु साहब की कृपा फिर संगत आ गई है चलो संगत अंदर गुरबाणी प्यार कीर्तन प्यार तुहाडे वापस आउण ते इह गल साबित हुंदी है भी महाराज ने तुहाडे हिरदिआं च गुरबाणी कीर्तन वास्ते प्यार भरिया महाराज होर प्यार बनाउण कीर्तन तो बगैर सिखी नहीं है जेड़ी सिख दी रहत है ना सिख दी रहत गुरु नानक निरंकार जी ने सिख दी रहत जेड़ी चौथे जामे विच उचारण करके दसी है ना गुर सतगुर का जो सिख अखाए सो भल के उठ हर नाम त्यावे उदम करे भल के प्रभाती इशनान करे अमृत सर नावे उपदेश गुरु हर हर जप जापै सब किल विख पाप दोख लह जावे फिर चढ़ै दिवस हाँ जी अगे की जी फिर चढ़ै दिवस बोलो जी जिन्हों याद फिर चढ़ा दिवस गुरबाणी गाना ही कीर्तन है ना ये फिर देख लो साडे रहत का एक अंग होया ना कीर्तन करना ये सारिया नू चाहिदा पर खास करके जिन्हों ने सिखी धारण की वह तो इद तो बगैर ना रहना जिथे नितनेम करना जरूरी है उथे कीर्तन करना सुनना भी जरूरी है गुरु कलगीधर जी के 52 हुक्मनाम्यां च भी जिक्र है रोज कीर्तन करना ते सुनना गुरु साहब दे इतिहास का वर्णन करदिआं भाई गुरदास जी ने कहा एक बाबा अकाल रूप दूजा रबाबी मरदाना किन्नी सांझ है जिवें अकाल पुरख निरंकार ने गुरु नानक जी नूं कहा नानक तेरे ते मेरे विच फर्क कोई नहीं मेरा नाम पार ब्रह्म परमेश्वर है तेरा नाम गुर परमेश्वर है
जिथे तू होवेगा उथे मैं होवगा, जिथे मैं होवगा उथे तू होएगा। धन गुरु नानक निरंकार जी ने एक बारी मरदाना जी ते खुश होके आख्या सी, मरदानिया जिथे तू होवेगा उथे मैं होवगा, ते मरदाने जिथे मैं होवगा उथे तू भी होएगा। अज गुरु नानक जी किथे ने? अज गुरु नानक जी आ ने गुरु ग्रंथ साहब। बाबा नानक सिंह जी महाराज ने इहदे चों दर्शन किए ना। भाई साहब भाई रणधीर सिंह जी ने कलगीधर दशमेश पिता दे इन्हां चों दर्शन किए। इको जोत ने पहला ते दसवां जामा इको जोत ने। ते हुण देखिए गुरु नानक जी ने मरदाने नूं नाल ही बिठाया नाल। जिहड़े सज्जणां ने जिहड़े वीरां भैणां ने गुरु ग्रंथ साहब जी का पाठ ध्यान नाल कीता, सहज पाठ हर एक नूं करना चाहीदा। जिन्हां ने ध्यान नाल पाठ कीता उन्हां नूं याद आ जाएगा श्लोक मरदाना पहला ब्यागड़े दी वार विच। बाणी गुरु नानक जी दी है पर सतगुरां ने श्लोक महला पहला लिखण दी बजाए श्लोक मरदाना पहला लिखिया। हुण कई जिहड़े ना बहुते ही स्याणे वह कहिंदे जी लिखण लग्गिया लिखारी नूं भुलेखा लग गया होणा। चलो मान लो जी भई लिखारी नूं इक सरूप च भुलेखा लग गया, सारिआं च लग जाणा सी। मान लो लिखारी नूं कहिंदे छेती 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 भाई साहब वैसे मेरी रसना कहण नूं मनदी नहीं, भई चलो लिखिआ गया होएगा। पर जदों दसवें पातशाह ने भाई मनी सिंह जी नूं लिखारी बना के लिखाया ते की उदों नहीं सी महाराज श्लोक महला पहला लिखा सकदे? उदों भी तो लिखाया श्लोक मरदाना पहला। गुरु नानक जी ने ऐसा अपने नाल बिठाया रहिंदी दुनिया तक, बल्कि जे दुनिया खत्म भी हो गई ते गुप्त रूप विच बाणी फिर भी कायम है। जदों नहीं सी बनी दुनिया उदों भी कायम सी। बाणी दे एक ओंकार तो सारा कुछ पैदा होया। ते गुरु के प्यारे आओ मरदाने की गल वाल आईए। भाई मरदाना जी दास ते कई बारी स्टेजा ते बेनतियां करदा है कि गुरु का कीर्तन करन वाले हो, गुरु का कीर्तन करन वाले हो वीरो भैनो बचे हो बची हो बुजुर्गो मताबो, असी सारे भाई मरदाने दे परिवार दे बनीए। अखौती जातां पातां दीआं गल्लां छड़ दीए, असी सारे भाई मरदाने दे परिवार दे बनीए। जिदन असी भाई मरदाने दे परिवार दे बन गए, जिदन असी भाई मरदाने दे परिवार दे बन के गुरु नानक जी दे चरणा च ढह पए, उदन फिर गल तुहानू पता है ना कि जिहड़ा परिवार हुंदा बापू सारे परिवार नूं इको जिहा प्यार करदा। जिदन असी गुरु नानक जी दे दर ते ढह पए उदन गुरु नानक जी महाराज सानू भी अपने मरदाने दे परिवार विच रख लैणगे। ते गुरु का मरदाना जिथे भी कोई बैठा कीर्तन करदा, भावें स्टेज ते बैठा कीर्तन करदा ते भावें संगत विच बैठा कीर्तन करदा। राती भी एक जगह ते दास ने बेनती कीती सी वी जरूरी नहीं भी वाजे जोड़ियां फड़ के कीर्तन हुंदा, कीर्तन तां तुसीं अपने घर विच तुरे फिरदे शब्द गुणगुणाओ भी कीर्तन है। तुसीं बिस्तरे ते लेटे होए सुर विच बाणी पढ़ी जाओ, सुर विच बाणी गाई जाओ वह भी कीर्तन है। तुसी कार चलाउंदिआं होर अपने कारोबार करदिआं गुरबाणी गाओ वह भी कीर्तन है। तुसी वाहिगुरू वाहिगुरू नूं सुर नाल गाओ वह भी कीर्तन है। तुसी नितनेम करदिआं गा के बाणी पढ़ो वह भी कीर्तन है। ते जे महाराज सच्चे पातशाह दी होवे मेहर, भावें तुसी रस्ते ते भीड़ दे विचों दी लंघदे आयां
अंदर सुरती नाल कोई शब्द गाई जाओ वह भी कीर्तन है। वैसे तो चाहिदा यह है कि जो रसना भी गा रही है उदो सुरती भी गावे, जो सुरती भी गाँदी है तो फिर गुरु के प्यारे उत्थे जा के गल बनती है। शब्द गुरु सुरत धुन चेला, तो आओ फिर सारे एक बारी महाराज के चरणों च बेनती करिए। नाले अपने वड़े वडेरे धन गुरु नानक निरंकार अते भाई मरदाना जी नू याद करिए, नाले गाइए गाइए ते अंदरों अंदरी बेनतियां करिए, सचे पातशाह सानू भी अपने चरणों के कीर्तनिया बना लो। जिहड़ा गुरु नानक जी का कीर्तनिया बन जाएगा ना, जिहड़ा गुरु नानक जी का कीर्तनिया बन जाएगा उन्हूं फिर किसी तरह की भुख नहीं रहनी। आओ जी। इक बाबा अकाल रूप जपो जी गज के, अकाल रूप इक बाबा अकाल रूप, इक बाबा अकाल रूप दूजार बाबी मरदाना, दूजार बापी मरदाना अकाल रूप, अकाल रूप, अकाल रूप, अकाल रूप धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, सबते वड्डा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी, सबते वड्डा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी, सबते वड्डा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी, सबते वड्डा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी। देखो आज दे समय च बड़िया चुनौतियां ने साडे वास्ते, साडी पछाण ते प्रश्न चिन्ह लगते जा रहे, कोई सानू कुछ कही जांदा बाहर ते। कई बार जदों असीं तुरे जांदे हुंदे आ ना उदों सानू कई मुसलमान समझदे ने, साडे नाल वापरदी है ना कई बार बाहर तुरे जांदे आ बाहरले देशां च, बाहर दा मतलब आह रोड ते नहीं बाहरले देशां च, ते कोई सानू केसाधारी हिंदू कहिंदा, हिंदू भी सत्कार योग ने, मुसलमान भी सत्कार योग ने, ब्राह्मण खत्री सूद वैस जिहड़ा भी रब नाल जुड़े सारे सत्कार योग ने, पर हर एक दी अपनी अपनी पछाण है। हर एक नू निरंकार अकाल पुरख ने एक वक्री पछाण दे के भेजिया। किन्ने बैठे हैं असीं, बड़े थोड़े जे इत्थे एक दूजे नाल, भावें जिन्नी मर्जी शकल रलदी होवे 100% नहीं जे रलदी, जे माड़ी मोटी 99% तो थोड़ी जी अगे जांदी होएगी ते कदी आदतां नहीं मिलणगियां, आदतां मिलणगियां सुभा नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ फर्क निरंकार अकाल पुरख ने रखिया। जिहदी आइडेंटिटी अपने ढंग की वाहगुरु ने रखी है उहदी तां रहनी उस तरह की। जे भला महाराज सच्चे पातशाह नूं आ आइडेंटिटी साडी ना चंगी लगती होंदी, दूजियां गुआंढियां दे घर भेज देंदे, मुंडन करा लो, संत करा लो, उधर भेज देंदे। गुरु साहब नूं अकाल पुरख नूं इह चंगा लगता सी वी साडा आ सरूप होवे, सानू भेज दिता। हुण देखो असीं कहिंदे धर्म कोई माड़ा नहीं, धर्म कोई माड़ा नहीं, प्यो दे बनाए घर घर विचों कोई घर माड़ा नहीं, पर जेड़ा प्यो जेड़ा जेड़े घर च मैनू प्यो भेजे उत्थे जाना मेरा फर्ज है कि नहीं, उस घर दे असूलों नू मनना मेरा फर्ज है कि नहीं। दसो साध संग जी, सानू सतगुरां ने सिखां दे घरां च भेजिया, मर्यादा नू मनना साडा फर्ज है कि नहीं, दिओ जवाब।
हाँ जी दसो जी, नहीं फर्ज? फिर गज के बोलो फर्ज है। हाँ साडा फर्ज है, गुरु नानक जी नू कहने अपना गुरु मनते भी है। मेरे धन गुरु नानक सच्चे पातशाह नू असी कहने धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। यह छोटी जी गल नहीं जे दुनिया के अंदर एदो वड्डी उस्तत वाली गल कोई नहीं। हुण वाहिगुरु शब्द है, वाहिगुरु शब्द दास नाल आ शामी एक सिंह भाई साहब गल्लां कर रहे सी लुधियाणे तों। अजकल लोकी बड़िया कुंतरबाजियां करदे आखे जी वाहिगुरु 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 करन दा की फायदा, ते जे उन्हां नूं बंदा पुछे भी ना करन दा की फायदा, जे करन दा फायदा नहीं ते ना करन दा दसो की फायदा, दसो सानू की लाभ है। तुसीं वाहिगुरु वाहिगुरु ना करो होर की करोगे? जे तुसीं राम राम करन वास्ते कहोगे वह भी रब का नाम, जे तुसीं अल्लाह अल्लाह कहोगे वह भी रब का नाम, जे तुसीं हरी हरी कहोगे वह भी रब का नाम, की करोगे? गुरु के प्यारे हो, कोई शंका करे ना करे आखे जी ओदे ओदे गुणा नू चेते करना ही सिमरने। जे एहो ही सिमरन हुंदा ते मेरे गुरु साहब क्यों कहिंदे गुरु गुरु जप मीत हमारे, क्यों महाराज कहिंदे? गुरु साहब ना कहिंदे गुण गुण चेते कर मेरे मीत हमारे, मन क्या गुरु गुरु जप मीत हमारे। मेरे गुरु साहब क्यों कहिंदे उठत बैठत सोवत जागत गुर मंत्रड़ा चितार। गुर मंत्र की है? गुर मंत्र है वाहिगुरु, गुर मंत्र है जप हमें खोई। प्यारे हो मेरे धन गुरु नानक साहब ने की कीता धर्मशाल करतारपुर, धर्मशाल करतारपुर, धर्मशाल करतारपुर, करतारपुर साध संगत सचखंड वसाया, संगत सचखंड वसाया, साध संगत सचखंड वसाया। ते ओ साध संगत सचखंड वसा के फिर कीता की? फिर की कीता गुरु नानक साहब ने? भाई साहब अगली तुक विच कहिंदे आ वाहे गुरु गुर शब्द सुनाया, वाहे गुरु गुर शब्द आहे गुरु गुर शब्द सुनाया, आहे गुरु गुर शब्द सुनाया। जिहड़ा आखे ना वाहेगुरु वाहेगुरु जपण दी लोड़ नहीं उहनू क्या करो भरावा गुरु हरगोबिंद साहिब जी दे समय तक रहण वाले गुरु अमरदास जी तो लैके गुरु हरगोबिंद साहिब जी दे समय तक रहण वाले भाई गुरदास ने जदों लिखिया उदों गुरु साहब शरीर च हैगे सी। जे गुरु साहब ने इस गल नूं प्रवान कर लिया ते मेरे वीरा मेरी भैने मेरे बजुर्गा मेरी माता मेरी बचीए मेरे बचिया तू भी प्रवान कर ले। मेरे बापू ने कृपा कीती सी धर्मशाल करतारपुर, धर्मशाल करतारपुर साध संगत सचखंड वसाया, वाहे गुरु गुर शब्द सुनाया, वाहे गुरु गुर शब्द सुनाया, धन गुरु नानक धन गुरु नानक, धन गुरु नानक धन गुरु नानक, अकाल रूप अकाल रूप, अकाल रूप अकाल रूप, दीन दुनिया दा
ਅਧੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਪੋ ਪਿਆਰਿਓ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੇਮੋਹਤਾਜ ਰਾਜ ਘਰ ਆਇਆ दीन दुनिया दा पातशाह। ये पातशाह इस तरह का सी भी ये नहीं भी बस खजाने चो दाता ही मंडनिया ने भाई आ दात लै जो आ दात लै जो आ दात लै जो नहीं ज्ञान भी वंडिया जिदा भाई साहब पहलो बोल रहे थे ना सरदार हरिंदर सिंह जी भाई ज्ञान भी वंडना गुरु नानक जी ने ज्ञान वंडिया ते जिहड़े आकड़ खां जी ना आकड़ खां हुण भी कई आकड़ खां हैगे आ आखे जी असीं फलाणी मर्यादा नूं नहीं मनदे असीं फलाणी गल नूं नहीं मनदे असीं फलाणी बाणी नूं नहीं मनदे आकड़ खां ते भाई साहब कहिंदे आ कि जिहड़े आकड़ खां नहीं खां सीगे उहनां नूं महाराज सच्चे पातशाह ने ज्ञान दे नाल ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਫੜਾਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਕੰਨ ਫੜਾਉਣਾ ਹੁਣ ਤੇ ਰਿਵਾਜ ਘਟਦਾ ਜਾਂਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੱਜ ਨਾਲ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਟੀਚਰ ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਫੜਾਉਂਦਾ ਸੀ ਕੰਨ ਫੜਾਉਣਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਇਹਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸੁਰਤੀ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਏ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤੀ ਨੀਂਦ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚੋ ਮਾੜਾ ਮਾੜਾ ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਦੂਜੀ ਰਹਿ ਗਈ ਨਾ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੰਮ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਵਾ ਤੇ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨੀ ਚੇਤੇ ਕਰਾਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਐਸਾ ਕੌਤਕ ਰਚਾਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਕੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਆਕੜ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਕੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਲੋਕੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕੀ ਮੰਨਣ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਗੋਬਿੰਦ ਰੂਪ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਅਚਲ ਅਚਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਚਲ ਸਾਹਿਬ ਕਈ ਅਚਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਅਤੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਮੰਦਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਿੱਧ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਭਾਈ ਅਜਿਤਾ ਰੰਧਾਵਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਸਿੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਓ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਗਈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਆਖੇ ਭੰਗਰ ਨਾਥ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਕੁਚੱਜੀ ਆਈ ਮਾਂ ਭਾਵ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹਸਤੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਚੱਜੀ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੀਤ ਗ੍ਰਿਸ਼ਤ ਤਾਜ ਫਿਰ ਇਨਹੀਂ ਕੇ ਘਰ ਮੰਗਣ ਜਾਈ ਫਿਰ ਗ੍ਰਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਢਿੱਡ ਵੀ ਗ੍ਰਿਸ਼ਤੀ ਭਰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤਨ ਵੀ ਗ੍ਰਿਸ਼ਤੀ ਢੱਕਦੇ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਕੇ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਯੋਗ ਬਲ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਵਿਖਾਈਆਂ ਤਾਰੇ ਤੋੜੇ ਭੰਗਰ ਨਾਥ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਗਏ ਇਤਿਹਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਚਲੋ ਜਿਵੇਂ ਲੁੱਕਣ ਮਿੱਚੀ ਖੇਡੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਈ ਖੇਡੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਰਿਵਾਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਚ ਹੈਗਾ ਬੜਾ ਰਿਵਾਜ ਲੁੱਕਣ ਮਿੱਚੀ ਖੇਡੀਏ ਮਾਰੇ ਕਿਤੇ ਖੇਡੋ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾਂ ਦਾ ਆਗੂ ਸੀ ਡੱਡੂ ਬਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਇਹ
ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਈ ਬੜੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਾਖੀਆਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖੀਆਂ, ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਸਿੱਖਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਡੱਡੂ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਭੋ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਭਣਾ ਕੀ ਏ, ਡੱਡੂ ਬਣ ਕੇ ਥੱਲੇ ਚਿੱਕੜ 'ਚ ਵੜਿਆ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲੁਕੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲੁਕੋ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਦਿਸਲੋਂ ਹਟ ਗਏ, ਦਿਸਲੋਂ ਹਟ ਗਏ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਅਜਿੱਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਲੱਭੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਲੱਭੋ ਲੱਭੋ, ਕਿੱਥੇ ਲੱਭਣ। ਚਲੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਯੋਗ ਬਲ ਨਾਲ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਦੇਖਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਲੱਭੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੱਭੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਹਾਰ ਗਏ ਨਾ ਹੰਭ ਕੇ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਰ ਗਏ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਗਏ, ਦੱਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਦੱਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਅਜਿੱਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾਓ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾਈ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਦਿਸ ਪਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਭੇਦ ਕਰ ਲਿਆ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਸਣ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਖੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ। ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਬੜਿਆਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕੇ ਤੇ ਡੱਡੂ ਬਣ ਕੇ ਚਿੱਕੜ 'ਚ, ਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਚਿੱਕੜ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਚਿੱਕੜ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਭੋ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਭਾਈ ਤਾਂ ਡੱਡੂ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਐਬ ਤਨ ਚਿੱਕੜੋ ਇਹ ਮਨ ਮੀਂਡ ਕੋ, ਕਮਲ ਕੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਮੂਲ ਪਾਈ, ਡੱਡੂ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਬਈ, ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਬੈਠਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਤੱਖ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਲੈ ਬਈ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਸਦ ਸੁਣਦਾ ਸਦ ਵੇਖਦਾ, ਸ਼ਬਦ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਮਹਾਰਾਜ ਚਰਨੀ ਲਾ ਲਓ, ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਓ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਜੀਵਾਂ ਗੁਰ ਤੇਰਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਜੀਵਾਂ ਗੁਰ ਤੇਰਾ, ਪੂਰਨ ਕਰਮ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ, ਪੂਰਨ ਕਰਮ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਜੀਵਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਜੀਵਾ, ਜਪੋ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ।
करम होए प्रभु मेरा, पूरन करम होए प्रभु मेरा, दर्शन देख जीवा, दर्शन देख जीवा, दर्शन देख जीवा, दर्शन देख जीवा, तन गुरु नानक, तन गुरु नानक, बिनती सुन प्रभु मेरे, बिनती सुन प्रभु मेरे, देह नाम कर अपने चेरे, देह नाम कर अपने चेरे, अपनी शरण राख प्रभु दाते, अपनी शरण राख प्रभु दाते, गुरप्रसाद किने विरले जाते, गुरप्रसाद किने विरले जाते, दर्शन देख जीवा, दर्शन देख जीवा, दर्शन देख जीवा, दर्शन देख जीवा, अपनी शरण राख प्रभु दाते, अपनी शरण राख प्रभु दाते, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, गुरु नानक, धन गुरु नानक, रख राखनहार दयाला राखो, राखनहार दयाला, राखो राखनहार दयाला, राखो राखनहार दयाला, राखो राखनहार दयाला, राखो राखनहार दयाला, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, तुम्हारी शरण तुम्हारी आशा, तुम्हारी शरण तुम्हारी आशा, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, तुम्हारी शरण तुम्हारी आशा, तुम्हारी शरण तुम्हारी आशा, तुम ही सज्जन सुहे, सज्जन सुहेले, तुम ही सज्जन सुहेले, तुम ही सज्जन सुहेले, राखो राखनहार दयाला, राखो राखनहार दयाला, हार दयाला, राखो राखनहार दयाला, राखनहार दयाला, राखनहार दयाला, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, राखो राखनहार दयाला, राखो राखनहार दयाला, नानक करके बोले, 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 नानक घर के बोले, नानक करके बोले, नानक करके बोले,
आसा अपनी शरण राख प्रभु दाते अपनी शरण राख प्रभु दाते प्रसाद किन मेरे ले जाते प्रसाद किन मेरे ले जाते सुनो बिनो प्रभु मेरे चरण कमल बस है मेरा चीता चरण कमल बस है मेरे चीता नानक एक करे अरदास नानक एक करे अरदास विसर नाही पूरन गुण दास विसर नाही पूरन गुण दास दर्शन देख जीवा दर्शन देख जीवा दर्शन देख जीवा दर्शन देख जीवा गुरु थे सिद्धनाथ अवतार सब गोष्ट कर कर कन्न फड़ाया बाबर के बाबे मिले निम निम सब नवाब निवाया पातशाह मिल विछड़े जोग भोग छड़ चल तरचाया दीन दुनिया दा पातशाह बेमोहताज राज घर आया कादर होए कुदरत करे ए पे कुदरत साग बनाया एक ना जोड़ विछोड़दा चिरी विछुने आन मिलाया साध संगत विच अलख लखाया सत श्री अकाल सो गुरु प्यारियो इत्थे ही समाप्ति है नम्रता सहित हाथ जोड़ के बेनती है कि सवेरे जल्दी कीर्तन करने वास्ते जाना इस वास्ते सिंह साहब जी नूं बेनती है आनंद साहब जी का जाप वो करन दी कृपालता करनगे उस तो पहलों भाई साहब जी जो बेनतियां संगत नूं करनियां चाहुंदे ने वो करनगे धन गुरु ग्रंथ साहब जी का कोटान कोट शुकर भाई मतीदास सेवक जथा जी जिन्हां ने एक नहीं कई कार्ज आरंभ किए ने जिन्हां बारे स्टेज तो वार वार आप जी नूं जानकारी दित्ती गई है सारे जथे दा विशेष करके भैन जी जगजीत कौर जी जिहड़े फोन कर करके हुक्म करदे रहे और समय सिर सानू इत्थे आउण विच उन्हां ने अपने फोनां ते हुक्मां राहीं साडी सहायता कीती भैन जी दा बहुत बहुत धन्नवाद होर सारे गुरु प्यारे भाई साहब जिहड़े बोल रहे ने मेरे वीर जतेंद्र सिंह जी गोल्डी साहब ये भी बैठे ने और हरिंदर सिंह जी बोल के गए ने हुणे सारयां दा धन्नवाद इत्थों दे महान सेवादार आप जी संगतां दे नाल अथाह प्यार रखण वाले संत फुम्मन सिंह जी अते होर सारे गुरमुखां दा बहुत बहुत धन्नवाद ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਓ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ ਤੁਮਰੀ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਆਸਾ ਤੁਮ ਹੀ ਸੱਜਣ ਸੁਹੇਲੇ ਰੱਖੋ ਰੱਖਣਹਾਰ ਦਇਆਲਾ ਨਾਨਕ ਕਰਕੇ ਗੋਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।